अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए सहरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ खड़े मसाले का कीमा, उसके साथ रोगनी पराठे बनाना बताऊँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और साथ साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा, ये मैंने कीमा लिया है बीफ का आधा किलो 500 ग्राम। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए 1 कप, चॉप कर लिया था इसको मैंने बारीक। लहसुन चाहिए हमें 5 टेबल स्पून, और ये एक बंच था पूरा लहसुन का, वो मैंने पूरा छील के इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और हमें होल गरम मसाला चाहिए, उसके अंदर ब्लैक पेपर लिए 1 टीस्पून, और उसको मैंने बस क्रश कर लिया है। और सिनेमन स्टिक्स लिए मैंने 2 से 3 अदद, 2 अदद काली इलायची ले ली थी मैंने, और ये लाल मिर्चें हैं इसको मैंने 5 अदद ले लिया था, 3 से 4 अदद लौंग लौंग ले ली थी मैंने। इसके अलावा हमें अदरक चाहिए, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था 3 टेबल स्पून। हरी मिर्ची चाहिए 2 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची हमारे पास 1.5 टीस्पून, और ये भुना कुटा धनिया और ज़ीरा हैगा 1.5 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1/2 टीस्पून। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर प्याज जो थी वो शामिल कर दूंगी ऑयल के साथ, और इसको मैं फ्राई करूंगी ट्रांसपेरेंट होने तक। बस 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी प्याज, बस इसका कच्चापन निकल जाए इसमें से। तो ये देखिए प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है, और अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर दूंगी और इस कीमे को प्याज के साथ थोड़ा सा हम भून लेंगे इसका कलर चेंज होने तक, थोड़ा सा कुक करेंगे हम इसको। अच्छा, मैं इसमें मशीन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि बारीक होता है और वो बहुत जल्दी पक जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसको पकने में। तो बस मैं इसको प्याज के साथ फ्राई कर रही हूँ, इसका कलर चेंज हो गया है, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसका कलर चेंज होने में। उसके बाद में इसके अंदर लहसुन ऐड कर दिया है मैंने, और मैं बाकी जितने भी तमाम मसाले थे इसके अंदर मैं डाल दूँगी, हरी मिर्ची और अदरक के अलावा, वो हम लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। मसाले मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, तो इस वक्त मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ और आधा कप और ऐड करूँगी। टोटल 1 कप पानी इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, जब तक इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता और ये गल नहीं जाता। इसी पानी में ये गल भी जाएगा तो आप इसको कवर करके छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए। इतने कीमा गल रहा है तो हम आ जाते हैं पराठे की डो की तरफ। तो उसके लिए मैंने ले लिया था 2.5 कप व्हीट फ्लोर ले लिया था, जो नॉर्मल घर का आटा होता है वो लिया है। दही लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, घी लिया है मैंने 3 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ली थी, 1 टेबल स्पून पाउडर मिल्क है हमारे पास, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। इसके अलावा हमें पानी चाहिए होगा एज रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत हो। तो बस मैं सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मैं इधर घर का जो नॉर्मल आटा होता है वो यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो मैदे में भी बना सकते हैं, या फाइन आटा मिलता है उसमें भी पराठे बना सकते हैं। तो मैं घर के आटे में बना रही हूँ रोगनी पराठे, तो इससे भी बहुत अच्छे पराठे बन जाते हैं। तो बस ये सब चीज़ें मैं मिक्स करूँगी, और इसके अंदर दही ऐड करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके नॉर्मल जिस तरह हम घर में आटा गूंथते हैं उस तरह से आटा हम गूंथ लेंगे इसका, तो हम सॉफ्ट डो बनाएंगे इसका। और बहुत अच्छे से इसकी नीडिंग कीजिएगा ताकि ये अच्छा सिल्की स्मूथ डो बने। तो ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया है और अच्छा सॉफ्ट आटा गूंदा है, और इसको मैं कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए। और इधर हमारा कीमा भी गल चुका है, इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। बस मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची और अदरक, वो बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करना है जब कीमा गल जाए,
और वो ऐड करने के बाद इसको हम सिर्फ 2 मिनट और पकाएंगे हाई फ्लेम पे, थोड़ा सा इसको भून लेंगे। तो बस मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। हरी मिर्ची अदरक मैंने ऐड कर दी है, और मिर्चों का जो लेवल है आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि अगर आप लोग थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से सेट कर लिया करें। और इसको बस मैं भून रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये कीमा, और सैरी के लिए आइडियल रेसिपी है। आधे घंटे में तैयार हो जाती हैं दोनों ही चीज़ें। इतने कीमा आपका मतलब गलता है, उतने आप पराठे वगैरह रेडी कर लेते हैं आटा गूंद के। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा सैरी में। और ये रेडी हो गया है, और अब हम आ जाते हैं पराठों की तरफ। तो इसको मैंने रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो सॉफ्ट हो गया हमारा आटा, और मज़ीद मैं इसके अंदर से एक पेड़ा ले रही हूँ। मैं थोड़े बड़े साइज़ के पराठे बना रही हूँ, और थोड़ा सा सूखा सा आटा लगाऊंगी इसके ऊपर। और मैं इसको अनइवन तरीके से बेल लूँगी, क्योंकि इसकी हमें लेयर्स लगानी है, इसलिए मैं अनइवन इसको बेलूँगी। बस ये पराठा बेलते वक्त आपको ये ख्याल रखना है, आपने बिल्कुल थिन बेलना है इसको, और जितना आप थिन कर सकते हैं इसको कर लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर मैं घी लगा रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने घी ऐड कर दिया था इसके ऊपर। और घी लगाने के बाद में जो खुश्क आटा होता है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी इसके ऊपर। अब आप देखिएगा इसको मैं बल किस तरह से देती हूँ। तो मैं एक कॉर्नर पे से इसको उठा लूँगी। तो बस आप इस तरह से इसको कॉर्नर पे से इकट्ठा करें, और इसको आप उठा लें इस तरह से, तो इसकी जो बल होते हैं खुद ही खुद बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद इसको आप फिंगर्स पे इस तरह से लपेट लें, तो ये आपका पेड़ा तैयार हो जाएगा। और ये पेड़ा बनाने के बाद आप तकरीबन 5 मिनट तक इसको छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा इसको फ्लैट करके, ताकि ये भी थोड़ा सा ठहर जाए, तो बिलने में आसानी होती है पराठा। अब मैं इसी तरीके से दूसरा पराठा भी तैयार कर लूँगी। सारे में पेड़े इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तो बस मैं दूसरा भी पराठा बनाना बता रही हूँ, आप इसकी लेयरिंग देख लीजिएगा। और इसको भी मैंने बेल लिया है पूरा, और घी लगा दिया था, थोड़ा सा खुश्क आटा स्प्रिंकल कर रही हूँ। और इसको मैं बस कॉर्नर से उठाऊँगी साइड से इस तरह से इकट्ठा करते हुए, और ये हाथ पे उठा लेंगे। तो उसके बाद हम फिंगर्स के ऊपर इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से इसकी लेयर्स बन जाती हैं, और बहुत ही अच्छी लगती हैं पराठा बनने के बाद। ऊपर से ये क्रिस्पी होगा और अंदर से बहुत सॉफ्ट होगा, क्योंकि रोगनी पराठे का हमने डो बनाया था। तो बस मैं फ्लैट करके रख दूंगी इसको। तो पेड़े मैंने तैयार कर लिए थे, अब मैं पराठा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो हाथों से थोड़ा सा हम इसको फ्लैट कर लेंगे, उसके बाद बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। तो पराठे को बहुत ज़्यादा थिन नहीं बेलते हैं, रोटी से थोड़ा सा मोटा ही होता है पराठा। तो इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। और तवा मैंने रख दिया था चूल्हे पे गरम करने के लिए। अच्छे पराठे या रोटी वगैरह बनाने के लिए तवा अच्छा गरम होना ज़रूरी है। तो उसको आप जब पेड़े बनाना स्टार्ट करें तभी रख दिया करें चूल्हे के ऊपर। तवे पे मैंने पराठे को डाल दिया है, और इसको मैं थोड़ा सा पकने दूंगी। जब एक तरफ से पक जाएगा थोड़ा सा, तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा पक गया था एक तरफ से, तो मैंने इसको फ्लिप कर दिया है। और इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि इवन तरीके से चारों तरफ से पक जाए वो। और जब पराठे पे दूसरी तरफ कलर आ जाएगा तो इसको मैं फ्लिप कर दूंगी दोबारा से, और फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी डालूंगी। घी डालने के बाद इसको दोबारा से हम पलटेंगे और इसको सेक लेंगे। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें घी ऐड किया है, और शैलो फ्राई कर रही हूँ इसको। घी डालने के बाद आपने बस मुस्तकिल थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि चारों तरफ अच्छा खूबसूरत कलर आ जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो मैं दोनों तरफ से इसको सेक लूँगी अच्छी तरीके से, और उसके बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से खस्ता होते हैं। तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा सहरी में, रमज़ानों में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी आपको ये दोनों रेसिपीज़। पराठा तैयार हो गया है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था, और साइड पे थोड़ा सा कीमा निकाल लिया है। दोनों चीज़ें रेडी हैं, और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए बना के सहरी के अंदर, तो मैं तो खिला चुकी हूँ। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को अपनी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।